और रैली के दौरान पूर्व सीएम ने बिना नाम दिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। हुड्डा ने बीरेंद्र सिंह के भेदभाव के आरोपों के जवाब में कहा कि आज वो लोग जींद से भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपनी सरकार के वक्त में खजाने की चाबी थमाई हुई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में हार से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। ऐसे में हुड्डा ने जींद की उसी जमीन से चौधरी को जवाब देना बेहतर समझा जिससे भेदभाव के आरोप उन पर अक्सर लगते रहे हैं। वहीं हुड्डा के सवाल का चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि जिस चाबी की बात हुड्डा कर रहे हैं आखिर वो चाबी लगती कहां थी। हुड्डा के सवाल का चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अब ये कहते हुए जवाब दिया कि जिस चाबी की बात हुड्डा कर रहे हैं आखिर वो चाबी लगती कहां थी। एक भाई का बयान आया कि भाई जींद का विकास नहीं हुआ। मेरे को अफसोस इस बात का है, ये वो लोग कहते हैं जिनके हाथ में मैंने खजाने की चाबी दे रखी थी मेरे साथ मंत्री। अरे हजारों करोड़ रुपए जींद के विकास पे लगे। मेरे से पहले भी 6-7 फाइनेंस मिनिस्टर रहे और अब ये कैप्टन साहब हैं। पूछ लेना कितनी कौन सी चाबी कहाँ लगती है। ये जो है ना, ये सिस्टम है। सिस्टम में मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कोई मैं किसी बात से किसी से वो नहीं। ये सिस्टम ये है कि टोटल पावर जो चीफ मिनिस्टर के पास सेंट्रलाइज रहेगी तो उस पावर का दुरुपयोग हुआ है। और या तो फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे दे या ऐसे भाई जैसे चलता चले। लेकिन मैं अपनी बात फिर भी उठाता रहा।